पूरा टेंशन और डिप्रेस कर रखा है। अच्छा ये बड़ा अजीबोगरीब है तुम्हारा टूट। कुछ नया आया जहाँ हड्डियाँ नहीं टूट रही, दिल टूट रहे हैं, थोड़ा मामला थोड़ा सा बदल गया अब लग रहा है। और मसल्स टूटती नहीं है यार, मतलब ये नया कुछ आया हुआ है कि जैसे कोई हार्ड रिजिड चीज हो। हेलो डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त इंदुहाड़ा एंड यू आर वाचिंग आवर स्पेशल प्रोग्राम कैफे उजांग। आप जानते हैं ये प्रोग्राम स्पेशली यूथ पे बेस्ड है, जिसपे हम उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, उनके फेवरेट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नज़रिया जिंदगी को देखने का उन्हें देने की कोशिश करते हैं। एंड यू नो दैट कि वो टॉपिक कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। टुडेज टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट बिफोर रिवीलिंग टुडेज टॉपिक आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस आवर स्पेशल गेस्ट। गेस कीजिए कौन है वो। यू नो वेरी वेल, he is an educator, he is guided coach, he is motivational speaker, he is nlp trainer, and also he is md of Ojang IAS academy. He is none other than our favorite Ojang sir. Shukriya aap sabhi ka bahut bahut dhanyawad. Sir, warm welcome to our special show that is the cafe Ojang and dedicated to you only. Thank you so much, aur ye honor hai yahan par aap logo se baat karna, audience se baat karna, unki problem ko sunna aur samajhna. थैंक यू सो मच। बस ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसा हो, ये शो मैं इसको डील कर लूं। सो इन दिस शो सर, समटाइम यू आर द गेस्ट और समटाइम यू आर द होस्ट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है सर, वो ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो लगेगा मान लो लोगों की दुखती नस पर हाथ रख लिया। ऐसा क्या हो सकता है? और वो है हार्ट ब्रेक्स। आई मीन हार्ट इज लाइक अ मिरर, जैसे कि जब कांच टूट जाता है ना तो उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। सर ऐसे जब किसी का दिल टूट जाता है ना तो वो भी बड़ा भारी वाला काम हो जाता है। और आज का टॉपिक यही है, ब्रेकअप्स। सर ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जिसने ब्रेकअप का दर्द नहीं महसूस किया होगा? मुझे तो नहीं पता ये ब्रेकअप वेकअप से भी है, अभी मॉडर्न टाइम के चोचले हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो सिर्फ हड्डियां टूटती थी, ठीक है, बोन ब्रेकअप समझे, दिल विल का नहीं था। घर में पढ़ाई नहीं की तो कोई ना कोई कूट देता था, और कभी किसी कॉलेज में कोई बात हो गई तो वहाँ हॉकी हॉकी से कूट दिए जाते थे या कूट देते थे। तो ये कुछ नया आया जहाँ हड्डियां नहीं टूट रही, दिल टूट रहे हैं, थोड़ा मामला थोड़ा सा बदल गया है अब लग रहा है। आंकड़े बताते ना दिल को ज्यादा ही टूट रहे हैं, और यंग जनरेशन है जो इन दिल टूटने वाली बीमारियों से बड़ी पीड़ित है। तो सर हाउ यू सी ब्रेकअप्स को आप कैसे देखते हैं, जिन्होंने मतलब हर किसी इंसान को या स्पेशली कहते हैं हमारे जो यंग चैंप्स हैं उनको बड़ा टेंशन और डिप्रेस कर रखा है। अच्छा ये बड़ा अजीबोगरीब है तुम्हारा टूट। सर ऑब्वियस है सर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई आल्सो हैव अ लिटिल हार्ट। ये मुझे तो ऐसा लगा, बायोलॉजी में हमें हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि ये मसल्स हैं। टूटा तो आपका नहीं, नहीं ये मसल्स हैं, और मसल्स टूटती नहीं है यार, मतलब ये नया कुछ आया हुआ है कि जैसे कोई हार्ड रिजिड चीज हो, ये तो बेचारा धड़कता रहता है, मसल ये टूटेगा कैसे? इट्स लाइक अ पंप। तो ये टूटेगा कैसे? सर टूटने वालों का टूटता ही है ना सर। अच्छा तो जानना क्या चाह रहे हो इसमें? सो यू नो बहुत सारे यूथ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे बहुत आपको पसंद करते हैं और आपकी हर एक राय जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो आपसे समझना चाहते हैं कि ब्रेकअप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा किसी के लिए बड़े पेनफुल होते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप देखते कैसे हैं दिलों के टूटने को, आप किस तरीके से देखते हैं? देखो पहली बात, एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें एक डायलॉग था कि लव इज पार्ट ऑफ लाइफ, लव इज नॉट लाइफ। तो पहली बात तो ये है। अब दिल टूटना अलग अलग जगह होता है, जैसे तुमने कहा मेरे बारे में दिल टूटना, जैसे काम होता है, अभी 99 का बैच लॉन्च किया, ये सोच के लॉन्च किया कि सभी बच्चों की मदद कर रहा हूँ, हर गरीब बच्चे की मदद होगी। कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ गई तो उसमें कई बच्चों ने बड़ी अभद्र भाषा, गालियां यूज कर दी, तो मुझे एज ए टीचर बहुत बुरा लगा, वाकई में दिल टूटा। इनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, इनके लिए मैंने इतना लॉस बियर किया, थोड़ा सा पेशेंस नहीं है, और भद्दी गलती गालियां दे दी, उठपटांग, किसी ने कहा कि मैंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, मेरा ये हो गया, किसी की किडनी गिरवी हो गई, तो एक वो दिल टूटा वहां, कोई कहने वाली बात नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम अपने सरकमटेंसेस को कैसे डील करते हैं,
देखो हार्ट ब्रेक का मतलब हुआ, जैसे ज्यादातर हम इसको लव अफेयर्स के रूप में देखते हैं, हाँ, तो हार्ट ब्रेक हर जगह होता है। मान लीजिए कोई पार्टनर है आपका, कोई काम कर रहा है, बिजनेस में कोई लॉस हो गया, आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए, बहुत सी चीजें हर जगह। तो बेसिकली जो ये हार्ट ब्रेक है आपका, वो बेसिकली ये है कि आप कोई चीज चाहते थे, शिद्दत से चाहते थे, और वो नहीं हुआ, उसमें आपके इमोशन इन्वॉल्व थे, तो वो चीज टूट गई, सिंपल इसको कहा जाता है। तो ये एक सिचुएशन है जिसको हाउ वी डील। अब यहां पे इसके आगे जब ये चीज हो जाती है, ठीक है, तो इसके आगे दो रास्ते होते हैं, एक हम इसको डील कैसे करते हैं। तो क्या होता है, सिचुएशन और हम आगे पीछे भागते हैं। तो सिचुएशन और हम आगे पीछे भागते हैं, तो क्या होता है कि कई बार सिचुएशन हमारे पीछे भागती है और कई बार हम सिचुएशन के पीछे भागते हैं। तो अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप एक जो है तुरंत आपने अपना मोड चेंज किया, अपने आप को जो है आपने देखा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, तो मूव ऑन वर्ड आपने सुना होगा, इसके साथ होता है कि यार ब्रेकअप हो गया या हार्ट ब्रेक हो गया तो मूव ऑन कर दो। तो अगर आप कंटिन्यूअस चलते रहते हैं तो सिचुएशन फिर धीरे धीरे आपसे पीछे छूटती चली जाती है। आप उस सिचुएशन में रुक गए, फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के का किसी लड़की से ब्रेकअप हो गया या दो लोगों का रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या है, लाइफ एक मूव ऑन है, आप आगे बहुत से सरप्राइजेस हैं, जिंदगी आपको बहुत कुछ दे रही है, लेकिन अगर आप वहीं रुक गए, आप वहीं के वहीं रुक गए, तो फिर आप क्या होगा, सिचुएशन आपको हावी कर लेगी, फिर आप उस सिचुएशन के अंदर आप दर्द भरे गाने सुनने लगे, आपको उसमें मजा आने लगे, मतलब इतनी सी प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी, ड्रिंक शुरू कर देते हैं, स्मोक शुरू कर देते हैं, अभी हमने देखा कि वो मेरी नहीं हुई तो उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया, एसिड अटैक भी, सब बदला, हत्या। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन को आप डील कैसे करते हैं। सो जो ये हार्ट ब्रेक है या ब्रेकअप है, ये सिंपली दो लोगों के लिए पूरे क्राइटेरिया है। ये दिल टूटना, ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी भी चीज में आप काम दिल लगा रहे हो, वो टास्क पूरा नहीं हुआ, तो वो दिल टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद की जो सिचुएशन होती है वो लोगों को डिसाइड करती है। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि हार्ट ब्रेक्स के रीजन काफी सारे होते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है या जो लोगों को मैंने सुना है या जो लोगों की रियल लाइफ से जो ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है, अगर हार्ट ब्रेक किसी दूसरे कारणों से होता है तो लोग फिर भी कुछ टाइम के बाद ओवरकम कर लेते हैं, मूव ऑन जो हम उसे कहते हैं, ट्रैक पर आना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब उनका किसी लव अफेयर या कोई रिलेशनशिप जब ब्रेक होता है तो वो उसमें बहुत जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इवन बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो उसके अंदर और ज्यादा अंदर जाते ही चले जाते हैं, जबकि ऐसा ऐसा वो भी जानते हैं, हर इंसान जानता है कि अगर मैं सिचुएशन में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहा तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ सकती है, लेकिन बावजूद उसके वो उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते, ऐसा क्यों? एक्चुअली इसके पीछे जो सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, यूथ के साथ एक तो हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है इस समय, जो हार्मोनल होते हैं बहुत एग्जेजरेट करते हैं, इस तरह के अफेक्शंस होना बहुत नॉर्मल बात है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट निकल कर सामने आ रहा है, वो सेगमेंट ये होता है कि आप उस जो ये सारी चीजें हुई, जब हार्ट ब्रेक हुआ तो हम एक लॉस कैलकुलेट करने लगते, और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई रिलेशनशिप में दो लोग हैं, तो अगर मान लीजिए लड़की और लड़का है, लड़की चली गई, उससे रिलेशनशिप से बाहर हो गई, वो बाहर चली गई, लड़का वहीं रुका हुआ है, अब वो या तो डिप्रेशन में है या रिवेंज में है, तो बेसिकली उसको मूव ऑन करना नहीं आता, वो इस सिचुएशन को जो है वो उसको एक जिसे कहते हैं कि लॉस का एक फीलिंग होने लगती है, मेरा कुछ बहुत लॉस हो गया, बहुत ज्यादा निकल गया। सही कहा, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस तरह की फीलिंग्स को फील किया होगा। पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब ब्रेकअप वाला या दिल टूटने वाला फीलिंग, इट्स लाइक जैसे किसी का लॉस, जो आपने कहा, मतलब जो जब कोई कोई इंसान जिंदगी से चला जाता है या फिर वो पूरी दुनिया से चला जाता है, वो वाला जो पेन होता है ना, वो पेन बिल्कुल उसके सिमिलर होता है। तो वो जो लॉस का जो एक फीलिंग होती है, ये अगली फीलिंग को जन्म देता है, लॉस ऑफ फियर, ठीक है, जो आपका फियर का सेगमेंट होता है। अब फियर जब आना शुरू हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कुछ नहीं है, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं, क्योंकि उससे पहले का फेज ऐसा था जब आपने उसको ढेर सारे लेटर्स लिखे थे, उसको दिन भर जो है कॉल किया था, उसकी हर चीज की परवाह की थी, खाना पीना सब चीजों के लिए, अब अचानक से आपके पास एक गैप क्रिएट हो जाता है, इसको वैक्यूम कहते हैं। ये रिलेशनशिप वैक्यूम जो होता है, वहां पर आपको एक फियर आना शुरू हो जाता है, इसके आगे क्या, इसके आगे जो क्या, जब भी क्वेश्चन आता है मैं क्या करूं, ये नहीं रहा तो मेरी जिंदगी में क्या होगा। हालांकि जिन लोगों का जो है वो ब्रेकअप हुआ होगा या हार्ट ब्रेक हुआ होगा, अगर वो आज पीछे पलट के 8-10 साल पहले का देखें, उन्हें लगता है ये क्या था, ये क्या था, आज हंसी आती होगी, अरे क्या था, मैं इसके लिए रो रहा था, मैं इसके लिए, उससे अच्छा कोई पार्टनर मिल गया, उससे अच्छी सिचुएशन हो गई और आगे बढ़ गया, कभी-कभी सर अच्छा हुआ वो इंसान गया लाइफ से, हां कई बार ऐसा लगता है बहुत अच्छा हुआ, रोज जो है सोना बाबू करते करते थक गया था, चॉकलेट की जो है फैक्ट्री अपनी खुद की लगाने वाला था मैं, तो ये सारी चीजें जो बहुत परेशान कर रही थी। तो अभी क्या है कि उस
चीज को अब जरा देखें तो होता क्या है, जो ये वैक्यूम क्रिएट होता है इस वैक्यूम में ही कुछ लोग होते हैं मूव ऑन कर जाते हैं, या उनकी सिचुएशन ऐसी होती है उनके साथ, माता पिता लव्ड वन फ्रेंड्स, चल यार कोई बात नहीं है कोई और मिलेगी। मुन्ना भाई ने कहा ना कि वो जो है चली गई तो फिर अगले दिन दूसरी आ गई, वो बोलते तो रहे सेम चीज़। तीन चीजों के पीछे कभी नहीं भागना, बस और ट्रेन और लड़की, एक गई तो दूसरी आती है। सही कह रही हो, मतलब सब सुना है, ये मॉडल का फ्रेंड है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ जो बात कह रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्यूम होता है अगर तुम उसके पार देख पाते हो तो मूव ऑन कर जाओगे, और उस वैक्यूम में अगर ट्रैप हो गए, उस जो एक खाली स्पेस उसके जाने से हुआ है, तो फिर वहां पर तुम्हें बहुत पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। और देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कोई लॉस जो होता है, जो पेन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिना पेन के तुम गेन नहीं कर सकते। किसी आज एक फियर होता है अगर ये चला गया वो चली गई तो क्या होता है, इस पेन में बहुत कुछ हमारा खो जाता है, हम उसको पाने के लिए, या कई बार ऐसा होता है कि पाते पाते ना हम कैप्चर करने लगते हैं, हम उसके व्यक्तित्व पे हावी हो जाते हैं, हमें लगता है कि उसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, उसका फोन बिजी क्यों जा रहा है, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, दुनिया भर की बातें। ये क्या होता है, आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। धीरे धीरे जब वो आपको एक बार पेन से वो सामना हो जाता है, ध्यान रखना ये ऊपर वाले का स्कूल है, इसका करिकुलम ऐसे ही चलता है, बिना पेन के कोई चीज सिखाता नहीं है। तो जब वो पेन से एक बार तुम गुजर गए, उस डर को तुमने फेस कर लिया, तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ में मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। एक मैसेज मैं देना चाहूंगा, और ये बहुत पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि जिंदगी में एक बार मैं छोटे क्लास में था तो मैंने एक कहानी सुनाई थी, अब वो लाइफ की बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, कि ऊपर वाला जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। ऊपर वाले के स्कूल में विश्वास करना सीखो। और कई बार ऐसा मैं भी सिचुएशन में कई बार फंसता हूँ तो मैं बहुत कोसने भी लगता हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज होता है कि ये जो कुछ भी हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया, इसकी वजह से जो मुझे धक्का लगा उसने मेरी स्पीड को बढ़ाया। तो लाइफ में एक चीज सीख लो कि जो कुछ भी होता है, चाहे वो कोई आया या कोई चला गया, जो कुछ भी होगा हमेशा अच्छे के लिए होता है, तुम्हारे भले के लिए। तुम आज की सिचुएशन में उसको नहीं समझ पाओगे, लेकिन कल जब तुम इस सिचुएशन से आगे निकल जाओगे, खुद की पर्सनालिटी बना लोगे, तो फिर क्या होता, तब तुम इस सिचुएशन को धन्यवाद दोगे कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। नो पेन नो गेन वाली बात है। सर ये तो आपने मतलब अभी फिर से बड़ा मोटिवेशनल वाला जो आपका रूप है वो भी निकल कर आने लगा है सामने, लेकिन उस पर बाद में आएंगे सर। उससे पहले थोड़ा सा सी सर, मतलब जैसे कि मैंने पहले बोला कि दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसका दिल तो टूटा होगा और प्यार में दिल जरूर टूटा होगा, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन कब हुई या कैसे, आपका कैसे तो प्यार ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़के लड़की आपस कभी, तो सर आपका भी ब्रेकअप हुआ होगा पक्का सर। प्यार का जो मतलब होता है, प्यार आदमी काम, जैसे मेरी सिचुएशन ऐसी रही है कि जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि मेरी जवानी नहीं है, मैं बच्चे से सीधे प्रौढ़ हुआ, अचानक से सिचुएशन ऐसी चेंज हुई, घर में कुछ ऐसे हादसे हो गए कि मैं एक ही दिन में बड़ा हो गया। ठीक है, मैंने अपने पूरे परिवार को संभाला, एक समय ऐसा आया कि मैं घर घर जाके इंश्योरेंस भी बेचता था, तो इंश्योरेंस बेचते समय एक बड़ा क्रूएल सा था कि मैं किसी ऑफिसर के ऑफिस में था और उसको इंश्योरेंस बेचना था, तो उसने मुझे पूरे दिन भर बिठाया रखा था इंश्योरेंस बेचने के लिए, और उसने शाम को मुझे बहुत डांटा। तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही क्रूएल फेज था, मतलब एक ऐसा फेज था जहां पे मैं बहुत परेशान हुआ, तो दिल वहां भी टूटा, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं कि जिंदगी में इंसान में सिर्फ प्यार मोहब्बत में ही सब कुछ चीजें होती हैं। कई बार जैसे मेरे लिए मेरे ड्रीम्स बड़े इंपॉर्टेंट थे लाइफ में, ये था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, लाइफ की सिचुएशन मेरी ऐसी रही है कि कभी मेरे साथ कोई चीजें फेवरेबल नहीं हुई, मैं हमेशा एक कहता था कि जिंदगी ने मुझसे छीना और मैं उसे छीन के वापस लेकर आया। तो मेरी लड़ाई मेरी और मेरे भाग्य के बीच की लड़ाई रही है, भाग्य ने कहा तुझे कुछ पाने नहीं दूंगा, और मैंने उससे कहा मैं सब कुछ हासिल कर। आप एक जिद्दी बच्चे थे, वो जिद करते 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 इतना मतलब कब उसमें इंडल्ज हो गया कि इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सोचने का समय नहीं मिला। लेकिन हाँ, चूंकि हजारों की संख्या में बच्चे मेरे पास आते हैं और मैंने बहुत ही ऐसे ऐसे केसेस बच्चों के सॉल्व किए हैं जो शायद वो अपने माँ बाप से भी नहीं कह सकते, वो अपने लव्ड वन से भी नहीं कह सकते, ऐसे भयानक केसेस मैंने सॉल्व किए हैं। तो मैं उनकी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं यही एक चीज कहूंगा कि जिंदगी में ये प्यार मोहब्बत जो भी चीजें हैं उसमें सब कुछ अच्छा है, जरूरी है, लाइफ का ये ऐसा पार्ट है जो आपको इंसान बने रहने में बहुत मदद करता है, लेकिन किसी भी चीज को, किसी सिचुएशन को खुद पे हावी नहीं होने देना है। मैं हमेशा एक चीज क्लास में बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कि चाहे कितने आंधी तूफान आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, चाहे तुम्हारी आंखों से कितने भी आंसू गिर रहे हैं, पैर नहीं रुकने चाहिए। ये मेरा सिद्धांत है, मैंने अपनी लाइफ में इसको आजमाया। चाहे तुम्हारी आंखों से कितने आंसू गिर रहे हो, पैर नहीं रुकने चाहिए। अगर तुम्हारे पैर चलते रहे, यानी कि तुम यात्रा करते रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंधी तूफान गुजर जाएगा, ये वैक्यूम खत्म हो जाएगा। जिस दिन तुम वैक्यूम से निकले, उस इंसान के जिंदगी से निकल जाने का दुख
वो तुम्हारा निकला, उसी दिन तुम बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाओगे। और प्यार सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़के लड़की ही करते हैं, दो दोस्त, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मुझसे खो गया, बहुत पेन हुआ मुझे, आज भी वो गिल्ट है कि मैं उस सिचुएशन में इतने गुस्से में क्यों रहा, मैंने उससे ऐसी बातें क्यों कह दी, वो गिल्ट आज भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो गिल्ट मुझे सिखाता है, वो गिल्ट मुझे सिखाता है कि मुझे कैसे अपने साथ के लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, वो गिल्ट मुझे सिखाता है कि जिंदगी में अच्छे दोस्त अच्छे साथी अगर खो जाए तो उनकी भरपाई करना मुश्किल है, वो गिल्ट मुझे सिखाता है कि मुझे कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वो चीजें होती हैं, सिचुएशन को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, तो वो चीजें सीखते हैं, मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन करना सबसे जरूरी है, मूव ऑन करना सबसे जरूरी है। सर क्विकली जाते जाते हमारे यंग चैंप्स को क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे जो ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके लिए मूव ऑन करना, बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वो आपको बहुत मानते हैं, क्या एक एडवाइस आप उन्हें देंगे कि वो क्विकली इस तरह की सिचुएशन में अगर फंसे हैं तो जल्दी उससे निकल पाए? तो सबसे बड़ी बात, जिस रिलेशनशिप में हो उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करो। रिलेशनशिप में जो ये ब्रेकअप होता है ना, कोई चीज टूटती तभी है जब वो खींचती है, बड़ा सिंपल सा पढ़ना है, जब कोई चीज खींचेगी तभी टूटेगी, खींच क्यों रहे हो? तुम्हें रिलेशनशिप में पास आना था, तुमने खींचना क्यों शुरू किया? और जब भी किसी चीज के पास आओ तो उसमें पास आने में प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज बहुत पास आ जाती है दबती है तो मेटामॉर्फिक हो जाती है, यानी वो रूप बदल देती है। तो ना तो कभी किसी से बहुत दूर जाओ और ना कभी किसी के बहुत पास आओ कि उसका जो गैप है, जो उसके सांस लेने की हवा है, उसको तुम खा जाओ। तो दोनों चीजों का जो बैलेंस है वही रिलेशनशिप है। हम रिलेशनशिप में ये भूल जाते हैं, और जब हम किसी के बहुत करीब आने लगते हैं, इतना करीब आने लगते हैं कि तुम कब सोए कब उठे, खाना खाया नहीं खाया, चॉकलेट खाया नहीं खाया, तो ये सब चीजों में ना सामने वाले का गैप खत्म कर दोगे, तुम उसकी पर्सनालिटी पे हावी हो जाओगे। तो पहली बात, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जा रहे हैं, वो इन सब चीजों का कभी याद रखना, कभी भी किसी भी पर्सनालिटी के ऊपर हावी होने की कोशिश मत करना, नहीं तो सामने वाली पर्सनालिटी तुम्हें अपना स्पेस जब खत्म करेगी तो तुम्हें वो जगह नहीं देगी। पहली बात, हो सकता है किसी चीज को खींचो नहीं, खींचो नहीं, क्योंकि वो टूटेगी, ठीक है, तो जहां पे भी लगे। दूसरा, ये लव या जो भी रिलेशनशिप है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी है ना, पहले अपने माँ बाप के लिए, पहले उनके लिए, समाज के लिए, तो एक बार ध्यान रखना कि ये दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है। तीसरी चीज, कभी भी किसी भी चीज पे रिवेंज का रिटेलिएशन मत करना, जैसे कई यूथ आज की डेट में एसिड अटैक हो गया, रिवेंज है, चाकू मार देना है, तो इनका अंत बहुत, उनसे जाके मिलिए ना कि इस घटना के बाद जब आप जेल जाते हैं और फिर आप उनसे पूछिए, वो फूट फूट के रो रहे हो कि उस समय हमने गलती क्यों कर दी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, खुद तो हम जेल के अंदर है, माँ बाप पूरी जिंदगी भर लानते जो है झेल रहे, पूरा समाज उनको धिक्कार रहा है, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना सीखो। फिर इसके बाद क्या है कि आप अभी कहीं पहुंचे नहीं हो यार, हो कौन यार, जिंदगी की सच्चाई कितना समझते हो, ठीक है, माँ बाप से पैसे लेके अपनी प्रेमिका को चॉकलेट खिला रहे हो। तो जिंदगी में एक बड़ी, तुम्हें एक इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रॉबर्ट मुगाबे ने एक बार कहा था कि देयर इज नो, संसार में कोई ऐसी वुमेन नहीं है जो सिक्स पैक के ऊपर सिक्स कार को ना पसंद कर दे। ये बात ध्यान रखना, दुनिया में अगर आपको कोई मतलब वुमेन को इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, या किसी के साथ प्यार, तो दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो छह कार के ऊपर छह पैक को पसंद कर ले, तो तुम्हारे सिक्स पैक एब्सेंस से कोई मतलब नहीं है तुम, और इसका मतलब है कि तुम कितने कामयाब हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा जेनेटिक है, तो आप कामयाब होइए, आप सक्सेसफुल होइए, कॉन्फिडेंट रहिए, और लोग आपके फॉलोअर हैं, सब कोई आपके पीछे आएगा। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बनाने पे फोकस करो, किसी दूसरे की पर्सनालिटी पे हावी होने की कोशिश मत करना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आ जाती है तो फिर ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि मेरी किस्मत में इतना था, रिवेंज नहीं लेना है, जितना हिस्सा आपको प्यार मिला, हम क्या होता है, लालची हो जाते हैं रिलेशनशिप में, ये सब कुछ मेरा है, मैं इसको ग्रैब कर लूंगा, ये मेरा है, मेरे से पूछे बिना तो ये कहीं जाए नहीं, उसने कैसे उसके हंस के बात कर लिया, ये सब नहीं। अगर कोई चला गया तुम्हारी लाइफ में तो उसको धन्यवाद दो कि जितने समय तो मेरी लाइफ में रहे, एक अच्छा टाइम और मेमोरी आपने दिया। हमारा दिमाग अलमारी की तरह होता है, तुम्हें चुनना है कि अलमारी में अच्छी तस्वीरें रखनी है या अलमारी में देश भर की गंदगी रखनी है। मुझे नहीं लगता कोई अपने ड्राइंग रूम की अलमारी में दुनिया भर की गंदगी ला के रखता होगा, तो तुम अपने दिमाग की अलमारी में गंदगी क्यों रख रहे हो? उसकी जितनी अच्छी यादें हैं, जितने भी अच्छे पल हैं, उनको अपने साथ रखो। अगर वो चला गया तो धन्यवाद कहो कि इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुद को एक यात्री मानो, एक जो है वो ट्रैवलर मानो कि मेरी जो यात्रा है वो लाइफ लॉन्ग है, इस यात्रा में बहुत से लोग जुड़ेंगे, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, इट डजंट मैटर। अपनी जिंदगी पे फोकस करो, सामने वाले को स्पेस दो, उसकी पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट करो, वो जो कह रहा है उसको समझो, हावी होने की कोशिश ना करो कभी भी, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका, कोई भी। झगड़े तभी होते हैं जब आप एक दूसरे की पर्सनालिटी के ऊपर हावी होना शुरू कर देते हैं, अपने हिसाब से उसको ढालना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं तुम तो पहले जैसे ना रहे।
ये एक यूनिवर्सल सेंटेंस है जो सर आपने बोला है, मतलब कई लोग कुछ महीनों बाद हम ही बदलते हैं, यही बोलते हैं, बदलते हैं। मुझे तुम्हारी आदत पसंद जैसे नहीं, नहीं रहे, मुझे तुम्हारा ये बोलने का तरीका पसंद, तुम्हारा शर्ट पहनने का तरीका पसंद नहीं, तुम्हारे कपड़े पसंद नहीं है, फिर बाद में कहते हो अरे यार तुम पहले जैसी ना रही, तुम पहले जैसे ना रहे, पहले हम चेंज करते हैं। संतुष्ट लोग हैं बेसिकली, तो रिलेशनशिप में जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो मूव ऑन करो, बस ये ध्यान रखो कि चलते रहो, खुद को व्यस्त कर लो। एक लास्ट में बताता हूं, जब भी कुछ ऐसी घटना होती है हम अपने आप को दुनिया से काट लेते हैं सबसे, यानी हम वैक्यूम को और बढ़ाते हैं, मतलब ऐसी बात है कि थोड़ी बहुत भी अगर ऑक्सीजन बची वो भी खींच के बाहर निकाल देते हैं। जब भी कोई ऐसी घटना हो जाए घूमने निकल जाओ, दोस्तों के बीच में चले जाओ, ठीक है, अपने आप को व्यस्त कर लो किसी प्रोजेक्ट में, तुम्हें सर ना उठाना मौका मिले, ट्रिप बनाओ दोस्तों के साथ, घूम कर आओ, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि हुआ क्या है। अगर खाली बैठे तो बार बार हाँ एक मिस्ड कॉल आ जाता, एक मैसेज आ जाता, खाली दिमाग शैतान का घर, समझ लेना मामला साफ हो जाएगा। तो अगर कुछ तुम्हारे साथ गलत हुआ अपने आप को एक सिस्टम में डालो और बिजी कर लो कि सुबह शाम तक तुम्हें टाइम ना मिले, घूमने निकल जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ, काम में लग जाओ, बेवजह जो है ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हें काम ही काम करना पड़े, सिर्फ एक डेढ़ हफ्ता, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई जो है इस मामले में दुखी रहता है। वेरी ट्रू। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी, लाइफ में चाहे कितने भी हार्ट ब्रेक्स क्यों ना आ जाए, लेकिन लाइफ का एक ही फंडा रखना है कि हमेशा मूव ऑन करते रहना है। हाँ, और एक फनी से सेंटेंस के साथ एंड कर देते हैं, कहते हैं मैंने कहीं सुना था कि आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, तो चिल मारो लाइफ में, और कोई बात नहीं ब्रेकअप होता है तो इट्स फाइन, मूव ऑन करते रहो, यही लाइफ का फंडा है। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद अस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वंडरफुल लगा कि नहीं लगा, बोले यार डरा दिया यहाँ भी, घर नहीं बसने देंगे। चलो कोई पॉइंट अच्छा लगा तो बताना, और कोई पॉइंट अच्छा लगा तो उसको फॉलो करना, बताना कमेंट में कि क्या आपसे कभी गलतियां हुई हैं ऐसी, अगर हुई हैं तो उसको कैसे सुधार सकते हो। बाकी जिंदगी करते करते सीखा जाएगा यार, इसको इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन।